वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हिज रॉयल हाईनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाईनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सऊदी अरब में रहने वाली भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर हिज रॉयल हाईनेस और आप सभी का G20 समिट की सफलता में योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अब आपको अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। तेलगी के बारे में सुना है ना? तेलगी खोटा सिक्का है।